हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भुखड़ बेब्स और मेरा नाम है शिवानी। तो आज का ये हम वीडियो लेकर आए हैं अमूल चॉकलेट्स का। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, हमारे पास तीन चॉकलेट्स हैं अमूल की, और ये कोई नॉर्मल लाइक जो अमूल की चॉकलेट्स आती है वो नहीं है, थोड़ी डिफरेंट चॉकलेट्स हैं। आप देख सकते हैं, माइट भी आपने ये देखी हो मार्केट में, बट थोड़ा डिफरेंट है। लाइक आपने अमूल की मिल्क चॉकलेट खाई होगी, ऑरेंज आई थिंक ट्विस्ट ऐसी एक आती है, फ्रूट एंड नट एंड मेनी डार्क चॉकलेट्स, बट ये थोड़े डिफरेंट हैं। सो इनका ओरिजिन है फ्रॉम सम कंट्रीज, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आप मेरा चैनल भुखड़ बेब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो लेट्स गो स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट चॉकलेट है अमूल टेंजानिया चॉकलेट नॉर, ये इसका प्लेस है टेंजानिया, राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड टेंजानिया इज अ प्लेस इन ईस्ट अफ्रीका, सो वहाँ क्या ओरिजिन है ये। सो इट्स अ सिंगल ओरिजिन डार्क चॉकलेट एंड कंपोजिशन में इट कंटेन्स 55% कोको। सो पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। इट सेज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टेंजानियाज रिचेस्ट कोको फील्ड्स वेयर जिराफ्स रोम वाइल्ड एंड फ्री। दिस चॉकलेट हैज अ नटी स्वीट टेस्ट विद हिंट्स ऑफ एसिडिक एंड बिटर नोट्स दैट लीव यू डिजायरिंग मोर। रिलिश द एसेंस ऑफ अ ट्रूली डिलीशियस एक्सपीरियंस। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जिराफ भी बना है, राइट। सो इट सेज लाइक जो इसका डिस्क्रिप्शन है कि टेंजानिया जो प्लेस है जहाँ का ये ओरिजिन है, वहाँ के जो कोको फील्ड्स हैं वहाँ पे मोस्टली जिराफ्स पाए जाते हैं, राइट। एंड जो इसका टेस्ट है इट्स अ नटी स्वीट टेस्ट। सो ऑल्सो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे जाएं, सो इसके इंग्रेडिएंट्स आर अगेन कोको सॉलिड्स, शुगर, कोको बटर, एमल्सीफायर्स and artificial flavors like your cocoa and vanilla. So iska agar hum quantity dekhe, it's 125 gram and it costs you 150 rupees each, but it's worth because normally jo baki chocolates aati hain amul ki, they are for I think 100 150 120 means isi range mein chocolates aati hain, and I find them very amazing. Like it's worth eating, the taste is very good and quantity is also like it matches the price. So also agar hum iske nutritional information ki baat kare, to isme energy is 553 kilocalories per 100 grams, fat is 32.8 and carbohydrate is 57 grams, sugar is 43 grams, protein is 7.5 grams. So ye iska composition hai, iska flip view ye hai, right. सो ये हमारी फर्स्ट चॉकलेट थी टेंजानिया विच इज़ फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। सो सेकेंड इज वेनेजुएला बोनी ट्विस्ट, राइट। एंड इट सेज इट सोर्स फ्रॉम द चॉइसेस्ट कोको फ्रॉम वेनेजुएला होम टू अ कील बिल्ड टुकन बर्ड। द चॉकलेट हैज बिटर एंड नटी फ्लेवर विद हिंट्स ऑफ स्वीटनेस एंड क्रीम, a pure indulgence to the most sophisticated palates. So I think this is the bird they are talking about, right. And ingredients are same, it's just that the cocoa which is extracted, that is from different places, otherwise ingredients are same because most of the composition is cocoa. And nutritional information it's same again, 125 gram for 150 rupees. And the third one we have is Peru Dark Amazon. Oh, I sorry, मैंने आपको इसका origin नहीं बताया. Venezuela is a place in South America, and Peru is also in South America. So ये both same places से हैं, like not same places, places are different, but it both places are in South America. So this is Peru Dark Amazon. It says.
एंड इसका डिस्क्रिप्शन इज फ्रॉम द कोको ऑफ पेरू द सेंचुरी ऑफ द ग्रेसफुल विकुना कम्स अ हाईली डिजायर्ड चॉकलेट लग्जूरिएट इन द कैरमलिश स्वीट टेस्ट बैलेंस्ड विद अ समवट बिटर फ्लेवर दैट लीव्स नथिंग बट एडमिरेशन इन इट्स अवेक. सो आई थिंक लाइक इफ आई सी ये एक आई कैन फाइंड इट एज अ डेयर माइट बी इसको कुछ और बोलते हो बिकॉज देयर लाइक देयर आर मैनी डिफरेंट यू कैन से आई डोंट नो द व्हाट्स अ करेक्ट टर्म ब्रीड्स आर इन डॉग्स मीन्स डिफरेंट काइंड्स के बेयर सॉरी सो डिफरेंट काइंड्स आती हैं डेयर्स में भी लाइक डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं सो आई डोंट नो व्हाट इट is exactly and again the composition is same along with the nutritional information and as I mentioned it's from South America Peru so ab hum inko taste karte hain how they are in taste sam and main bahut excited hoon again because they are chocolates which I love the most so let's start with the first one Tanzania chocolate nor Like it's worth buying. So this is how it looks like normal Amul chocolates, but ये आप इसको टेस्ट करेंगे तभी आपको बेटर पता चलेगा कि ये टेस्ट वाइज कैसा है सो यू कैन जस्ट परचेज इट एंड देन सी लेट्स टेस्ट इट्स सो नाइस इट जस्ट मेल्ट्स इन योर माउथ बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर है इसका लाइक जैसे आप इसको खाओगे एकदम मेल्ट करेगा ये एंड इट इज डार्क चॉकलेट खाने के बाद आपको हल्का सा बिटर टेस्ट आ रहा है इसका सो इट्स वेरी नाइस आई लव दिस वन लॉट दिस इज ऑसम सो नेक्स्ट वन इज वेनेजुएला इबोनी ट्विस्ट लेट्स check this one out Sorry. so like dikhne mein aapko sab same hi lagengi and let me count like how many pieces does it give so it's 1 2 3 and here it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so 30 pieces hote hain isme and let's taste this one love this one बहुत अच्छा टेस्ट है इसका मींस आई एम अ बिग फैन ऑफ अमूल चॉकलेट्स बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका सो आई वुड लाइक स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दीज चॉकलेट्स आप ज़रूर इनको ट्राई करें एंड आप अपने रिव्यूज़ बताएं हाउ डिड यू फाइंड देम एंड द लास्ट वन वी हैव इज दिस पेरू डार्क अमेज़न एंड ये आपको नॉर्मली किसी भी स्टोर से परचेज आप कर सकते हैं बिग बास्केट से आप परचेज कर सकते हैं अमेजन से ये आपको नॉर्मली कहीं भी मिल जाएंगे सो इट्स नॉट अ चैलेंज कि ये आपको मार्केट में नहीं मिल रही अमूल चॉकलेट्स यू विल फाइंड इन एनी स्टोर एंड इफ नॉट ऑनलाइन तो आपको सब मिलता है सो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं
अगेन आपको ये सेम दिखेगी. लेट मी ट्राई दिस वन. थोड़ी ब्रेक हो गई आई थिंक. Awesome. This one is very nice, very nice. इसमें स्वीटिश फ्लेवर लाइक ये मीठी ज़्यादा है. बाकियों में एंड में आपको जो बिटर टेस्ट ज़्यादा आ रहा है बट इसमें उतना बिटर टेस्ट नहीं है आई थिंक. या बिकॉज इसके डिस्क्रिप्शन में इट सेज इट्स अ कैरमलिश स्वीट टेस्ट. That's the reason, and इसमें mention था it was it would be a bit bitter. So हमने तीनों try करी. I found them like I would like to give them 10 out of 10. बहुत ही अच्छी थी. I just loved them. And आप अपना review मुझे बता सकते हैं. आप try कीजिए. आप बताइए आपको कैसी लगी. And if there is any other Amul chocolate from some other place, आप please मुझे comment section में बताइए. Right? And today अगर मैं आज मैं इनको ranking की बात करूं तो आज आई वोंट बी गिविंग 1, 2, 3. आज मेरे लिए तीनों चॉकलेट्स ऑन टॉप हैं बिकॉज आई जस्ट लव देम. बहुत अच्छी हैं ये. सो यही था आज का वीडियो. और जाने से पहले अगेन मैं कहना चाहूँगी मेरा चैनल भूखड़ बेब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिले. एंड प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर. तो यही था आज का वीडियो. हैव फन गाइज. बाय.